योगी जो होते हैं त्रिकालज्ञ होते हैं, तो आपके यहाँ भी शून्यवादी बौद्ध हो या क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध हो, उनके यहाँ भी तो आखिर क्या होता है, योगी होते हैं। तो योगी अगर त्रिकालज्ञ नहीं हुए तो योगी कैसे, और त्रिकालज्ञ हुए तो तीनों काल के घट को जानने वाले हुए या नहीं, त्रिकाल में अतीत भी है या नहीं, त्रिकाल में भविष्य भी है या नहीं। तो योगियों का मुँह बंद कर दिया। अब योगी के दो भेद होते हैं, युंजान और युक्त। तीसरा योगी कौन है, सबसे ऊंचा योगी है भगवान, क्योंकि बौद्ध दर्शन में जैन दर्शन में कोई अनाज सिद्ध नहीं होता, क्या साधन सिद्ध होता है। ईश्वर को मानते नहीं, ईश्वर को जैन बौद्ध नहीं मानते, तो उनके मत में तो अनाज सिद्ध होता ही नहीं, कोई साधन के द्वारा सिद्ध होता। जो तीर्थंकर होते हैं वो साधन के द्वारा सिद्ध होते हैं। तो कहा कि वास्तव में तो योगियों के योगी, गुरुओं के गुरु कौन है, भगवान। वो जो भगवान हैं उनका भी जो ज्ञान होगा, जब योगियों का ज्ञान त्रिकालातीत विषय का भी योगियों में ज्ञान होता है, वो काल गर्भित जितने पदार्थ हैं उन सब का ज्ञान योगियों को होता है, तो भगवान का तो कहना ही क्या। योगियों के भी परम गुरु कौन है, भगवान, क्योंकि अनाज सिद्ध का नाम हो गया भगवान, साधन सिद्ध का नाम हो गया योगी।